हेलो दोस्तों, आप सभी लोग नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट ऑफ में स्वागत है। मैं सती मिश्रा है। देखिए, एक सीएसके के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। और जो दीपक चाहर है, जो सीएसके के स्टार ऑलराउंडर है, जिनकी बहुत जरूरत है सीएसके के समय, वो कब तक फिट हो जाएंगे और कब तक और मैच खेल सकते हैं सीएसके की तरफ से, ये खबर निकल सामने आ रही है। उसके पहले बात करें तो क्रिस जॉर्डन, जो गले में इन्फेक्शन हो चुका है उनके और वो हॉस्पिटल में भर्ती, उसके बाद एडम मिलने वो भी इंजरी की शिकार हो चुके हैं और थोड़ा सा मतलब कि पता नहीं चल रहा कि वो थर्ड मैच दूसरा मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। उसके बाद देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है सीएसके को लेकर, लेकिन एक बहुत अच्छी उस बीच एक राहत खबर आ रही, एक अच्छी खबर आ रही है कि दीपक चाहर दो हफ्ते बाद एनसीएस उनको रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद वो सीएसके कैंप से जुड़ सकते हैं और 25 मार्च को जो पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा, हो सकता है कि दीपक चाहर उसमें हमें खेलते दिख जाए सीएसके तरफ से। क्यों? देखिए, दीपक चाहर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और सीएसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है। मुकेश चौधरी पिछले मैच में खिलाया, आपको पता है, डेब्यू कराया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है यहाँ का, लेकिन उसने भी कुछ खास किया नहीं। उसके बाद देखिए स्पिनर तो पूरे हैं, मोइन अली भी हो गया है, शुभम दुबे कुछ खास नहीं, बड़ा मैच हरवा दिया लास्ट मैच उसने, और देखिए इस तरह की चीजें है। लेकिन दीपक चाहर ऐसा प्लेयर है जो न्यू गेंद से स्विंग भी करा सकता है और बहुत अच्छी हिट भी लगा सकता है, बॉलिंग नए ओवर से कुछ जल्दी विकेट भी लेके दे सकता है सीएसके को, तो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर सकता है, तो बहुत अच्छा एक विकल्प रहता है सीएसके के लिए। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।